दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने पर दबंगों ने किया पथराव, थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी हुए घायल, 50 लोगों पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दलित दूल्हे के द्वारा गांव में राज निकालना भारी पड़ गया। जहां देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दलित को लेकर अभी भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले अंतर्गत आने वाले बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम चौरई गांव का मामला है, जहां एक दलित दूल्हे के द्वारा घोड़े पर बैठकर के गांव में राच निकाली जा रही थी, उसी दौरान बारातियों पर पथराव कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर भी पथराव हुआ तो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी बनकर के 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की है तो 30 अन्य लोगों पर भी मामला पंजीबद्ध किया गया है। वही दूल्हा रितेश अहिरवार का विवाह था और जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांघी भी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल की सुरक्षा के साथ में बारात रवाना हुई और पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट बलवा हरिजन एक्ट के तहत सभी आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। हमने आया है एक दूल्हे को रास कराने के दौरान बलवा किया गया है। ये थाना बक्सवा अंतर्गत ग्राम चौरे की घटना है। कल वहाँ एक समुदाय में शादी थी और इस शादी को लेकर दूसरे समुदाय ने गांव के ही कुछ आपत्ति व्यक्त की थी और इसके चलते वहां पे बल भेजा गया था। जब दूल्हे की देवी पूजन के लिए सवारी निकल रही थी तो उस दौरान कुछ पथराव हुआ और उसके बाद वहां पे पुलिस बल भेजा गया, जिसमें TI, SDOP, एडिशनल SP और बाद में मैं स्वयं भी वहाँ पहुँचा था। सभी गांव के कार्यक्रम जो हैं उसके बाद पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में संपन्न हुए और बारात भी रवाना हुई। शादी के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं, किंतु जो पथराव दूसरे समुदाय ने किया था उसमें SDOP सहित कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसपे लगभग 50 लोगों के ऊपर धारा 353, 147, 148, 149 भारतीय दंड विधान एवं अन्य सेक्शंस में मामला पंजीबद्ध किया गया है। गांव में अभी शांति है, गार्ड लगा हुआ है और शादी से संबंधित जो भी कार्यक्रम थे वो पूरे हो गए हैं और इसमें जो पथराव हुआ था जनता के किसी व्यक्ति को चोट नहीं है, किंतु पुलिस जो वहां पे सुरक्षा हेतु गई थी उसको कुछ चोटें आई। सर, अब आगे क्या, किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? अभी जो जिन लोगों ने पथराव किया है उनको, काफ़ी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी अरेस्टिंग की जा रही है और साथ ही गांव में गार्ड लगा है और आगे चल के मीटिंग्स वगैरह लेके गांव में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि गांव में किसी प्रकार की विवाद या उपद्रव की आशंका ना रहे। सर, जैसे घायल पुलिसकर्मी अधिकारी घायल हैं तो उनकी हालत कैसी है, उन्हें कहाँ गया? नहीं, ऐसा गंभीर कोई नहीं है, हल्की फुल्की चोटें थीं। TI की हाथ में थी, SDOP को कोहनी में पत्थर आके लगा था और काफ़ी ज़ोर से लगा था, परंतु इस तरह की कोई हालत नहीं है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए। वो सभी अपना प्राथमिक उपचार करा के और सभी अपनी ड्यूटी पर।